डॉज चैलेंजर। ये मशीन क्या चीज है, इसको एक रियल कार एंथुसियास्ट समझ सकता है। डॉज चैलेंजर एक अमेरिकन मसल कार है फोर्ड मस्टैंग की तरह, जिसकी फैन फॉलोइंग मस्टैंग से भी ज्यादा है। और इंडिया में भी इस गाड़ी की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत लोग इसको इंडिया में लेना चाहते हैं, पर सैडली इंडिया में सेल नहीं होती। लेकिन रुको जरा, सबर करो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रोकड़ा है, मतलब अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है, तो कैसे आप इसको इंडिया में ले सकते हो और मस्त लोंडो में रोला जमा सकते हो। रोला जमाना है लोंडो में रोला। तो गाड़ी को लेने से पहले मैं आपको इसके वेरिएंट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि इस गाड़ी में हमको दुनिया भर के वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे डॉज चैलेंजर SXT, GT, RT, स्कैट पैक, SRT, SRT हेलकैट, डीमन, रेड आई, जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चला गया, क्योंकि इनमें हमको ऐसे 700, 800 और 1000 हॉर्स पावर तक मिलती है। तो इनको हम कहाँ चलाएंगे इंडिया में, तो इसलिए हम इसका सबसे बेसिस पैक SXT लेंगे, जिससे हम रोला भी जमा सके और ज्यादा पैसे भी न खर्चने पड़े। मस्त प्लान है। लेकिन हाँ, इसके बेसिस पैक में भी पावर डिसेंट है, क्योंकि इसमें भी हमको 3.6 लीटर का V6 इंजन मिलता है, जो अराउंड 300 हॉर्स पावर निकालता है। ओके, तो हमारा वेरिएंट सेलेक्ट हो गया। तो अब इसको इंडिया में मंगाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इंपोर्ट का, यानी हमको इस कार को बाहर से इंपोर्ट कराना होगा। तो उसके लिए आइए पहले इंपोर्ट के कुछ रूल्स देखते हैं। चलो। तो पहला रूल है कि कार इंडिया के बाहरी मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। वाह भाई, बाहर मैन्युफैक्चर होगी तभी तो इम्पोर्ट करा रहे हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। कार न्यू होनी चाहिए और उस पर कोई लोन वगैरह भी नहीं होना चाहिए। फिर कार राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए और यहाँ पर हो गई गड़बड़। क्या हुई, अमेरिका में सभी कार होती है लेफ्ट हैंड ड्राइव, जबकि इंडिया में राइट हैंड ड्राइव, तो इस वजह से ये कार इंपोर्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगी। वैसे इंडिया में 2-3 डॉज चैलेंजर है जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लेकिन वो सिर्फ शो के लिए है, डेली ड्राइव के लिए नहीं। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अब क्या किया जाए, तो रहन दो फिर। वेट, अभी दुखी मत होना, क्योंकि थोड़ी और छानबीन करने के बाद मुझे पता चला श्रीलंका में एक कंपनी ऑटो ग्रुप इंटरनेशनल, जो कि सभी अमेरिकन लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स को राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट करती है और फिर उनको बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करती है। यानी अब ये एक लौता सहारा है जहाँ से हम अपनी पीस्ट डॉज चैलेंजर को इंडिया में मंगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो वहाँ पर इस डॉज चैलेंजर SXT का प्राइस है अप्रोक्स 45 लाख रुपीज। बस लेकिन अभी खुश मत होना, क्योंकि इंडिया लाने के लिए हमको और थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। इंडिया में इंपोर्ट का एक रूल है कि अगर आपकी गाड़ी $40,000 यानी 33 लाख रुपए से कम की है, तो उस पर 60% इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, और अगर उससे ज्यादा की है तो पूरे 100% इंपोर्ट टैक्स या फिर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो हमारी डोज है 45 लाख की और उस पर 100% टैक्स, यानी 45 + 45 = 90 लाख रुपीज। मीन्स अब तक हमारी कार 90 लाख रुपए की हो चुकी है ऑलरेडी। फिर दोस्तों, इंडिया में इसको कार्गो शिप के थ्रू लाना पड़ेगा। तो इंडिया में केवल 3 बड़े नेवल डॉक्स हैं, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो जो भी आपके पास पड़े आप उससे मंगवा सकते हो। अच्छा, शिपमेंट फाइनल करने के लिए आपको बैंक ड्राफ्ट दिखाना होगा, जहाँ से आपने कार की पेमेंट की, सीवे बिल यानी जिस शिप से आपकी कार आएगी, और इंपोर्ट लाइसेंस। और हाँ, इस शिपमेंट का खर्चा भी आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। यानी जब तक ये कार इंडिया पहुंचेगी तो ऑलरेडी 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर रुको, क्या हुई, ये प्राइस एक तरीके से एक्सशोरूम है, यानी इंडिया आने के बाद इसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा होगी, जिसमें ऑल्सो खर्चा आएगा। एंड इंडिया आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी सबमिट करानी पड़ेगी टेस्टिंग के लिए। VRDE अहमदनगर, ARAI पुणे, आप कहीं पर भी इसको सबमिट करा सकते हो, जहाँ पर आपकी कार की टेस्टिंग होगी कि ये कार पूरी तरीके से रोड लीगल है और इंडिया में चलाने के लिए ओके है। एंड बस काम खत्म। एंड में पूरा काम तमाम करने के बाद आपको आपकी डॉज चैलेंजर अप्रोक्स 1.1 करोड़ या फिर 1.2 करोड़ के आसपास पड़ेगी इंडिया में, जो कि ओरिजिनल कार के प्राइस का 2 गुने से भी ज्यादा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और ये प्राइस तो इसके लोअर मॉडल का है, यानी अगर आपको और पावर चाहिए तो इसके अपर वेरिएंट्स तो और भी एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसको इंडिया में लेने वालों की कमी है, बात पैसों की नहीं है, बात है इस कंफ्यूजिंग और टाइम टेकिंग प्रोसेस की। इस इंपोर्टिंग के प्रोसेस को सोचते ही लोगों का मन बदल जाता है और वो दूसरी कार ले लेते हैं जो कि इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी कमेंट्स में बताना कि इतने प्राइस में कार इंडिया में लेना वर्थ है या फिर नहीं। एंड इंस्टा पर फॉलो कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।